बरेली कॉलेज के तत्कालीन और स्थायी कर्मचारियों ने धरना स्थल पर सभा करके प्रबंधन समिति के सचिव पर लगाया बेवजह परेशान करने के आरोप। देवमूर्ति के खिलाफ बरेली कॉलेज गूंजे नारे। कॉलेज में पढ़ाई और दाखिले बाधित। डीएम से मिले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। कलेक्ट्रेट गेट पर छात्र ने की नारेबाजी। प्रशासन से बरेली कॉलेज खुलवाने की मांग। सिटी मजिस्ट्रेट ने कर्मचारी नेता जितेंद्र मिश्रा को बातचीत के लिए बुलाया। आपका भैया? मेरा नाम गौरव यादव है, मैं विद्यार्थी परिषद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बरेली कॉलेज इकाई का अध्यक्ष हूँ। क्या मांगे हैं आप जो ज्ञापन दिया? अभी कई दिनों से आप पिछले दिनों से देख रहे हैं बरेली कॉलेज 15 दिन से कार्यालय बंद है, ना कोई पढ़ाई चल रही ना कुछ। पिछले 8 दिनों से कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको हटा दिया गया है, उसको लेकर उन लोगों ने तालाबंदी कर दी है। पिछले दो दिनों से बरेली के जो विभाग खुल रहे थे सभी डिपार्टमेंट, उन्होंने सभी पर तालाबंदी कर दी है। आप देख रहे हैं इस समय प्रवेश का समय चल रहा है, प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, ना अभी तक प्रवेश पूरे हुए हैं, ना कक्षाएं संचालित करने की तो बात बहुत दूर की है। 8 दिन से बच्चे आ रहे हैं बरेली, बदायूं, सयापुर, पीलीभीत, मीरगंज, बहेड़ी, इतनी दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, पर उनको मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। उनका पैसा समय सब खर्च हो रहा है। छात्र हित को देखते हुए विद्यार्थी परिषद की ये मांग है कि उनकी जो स्ट्राइक है, उनकी जो जायज मांगे हैं जियो के आधार पर, उनको मांगा जाए, उनको माना जाए और तत्काल बरेली कार्यालय का तालाबंदी खोलकर और छात्रों की मांगों को देखते हुए प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर कक्षाएं संचालित की जाए, ताकि छात्र अहित बिल्कुल ना हो और जो भी उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है विद्यार्थी परिषद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर इस पर तत्काल 1-2 दिन में डीएम साहब को हमने आज ज्ञापन दिया है, 2 दिन का उन्हें समय दिया है, उन्होंने कहा आपने बताया हम 2 दिन से पहले हम उसको करेंगे, अगर डीएम साहब 2 दिन के अंदर इस पर कोई कार्रवाई तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं तो विद्यार्थी परिषद पूरे शहर के अंदर आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी। भैया आपका? हेमंत मतलब क्यों आए हैं कलेक्ट्रेट पर? कलेक्ट्रेट पर इसलिए आए हैं बरेली कॉलेज बरेली में पिछले 15-20 दिनों से कर्मचारियों का लगातार आंदोलन चल रहा था, जिससे उन्हें 15 तारीख से बरेली कॉलेज बरेली में तालाबंदी भी कर दी है, जिससे बरेली कॉलेज में आ रहे दूर दराज से छात्र छात्राएं परेशान हो रहे हैं, ग्रामीण तबके के लोग भी परेशान हो रहे हैं। इसीलिए हम बरेली कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हमारे यहाँ के डीएम साहब हैं, इसलिए हम आज डीएम साहब से मिलने आए। क्या शिकायत करिएगा डीएम साहब से? डीएम साहब से शिकायत ये है सबसे पहले तालाबंदी खोली जाए जिससे छात्रों को परेशानी ना हो। तो आप कर्मचारियों के हित में आए हैं, मतलब क्या मामला? क्या कर्मचारी के भी हित में आए, छात्र छात्राओं के हित में आए, है ना? 168 अस्थाई कर्मचारी 6 दिन से बरेली कॉलेज में ताला बंद करके धरना दे रहे हैं। लगातार प्रबंध समिति के सचिव देवमूर्ति के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, तमाम वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप भी लग रहे हैं। इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचनाएं, अखबारों के माध्यम से सूचनाएं बरेली के लोकल जनप्रतिनिधियों को भी पहुंच रही है, शहरवासी भी जान रहे हैं। अभी सभा स्थल से हरीश मौर्य जी ने कहा था कि बरेली के जितने भी सांसद और विधायक हैं वो सब इसी ऐतिहासिक बरेली कॉलेज से पढ़कर निकले हैं, विधायक बने हैं, नेता बने हैं, अधिकारी आईएएस पीसीएस बने हैं। हमारे साथ सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि इस ऐतिहासिक बरेली कॉलेज की गरिमा को बचाने की। बहुत खराब संदेश बरेली में जा रहा है, हजारों छात्र मायूस होकर बरेली कॉलेज के गेट से लौट रहे हैं, जो दाखिले ले रहे हैं उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और हजारों छात्रों के अभी दाखिले होने बाकी हैं। विश्वविद्यालय ने डेट मुकर्रर कर दी है, इस महीने के आखिर तक यानी जुलाई के आखिर तक ही दाखिले होने हैं। एक एक दिन बहुत कीमती है, लेकिन अभी तक न जिला प्रशासन जागा है, न प्रबंध समिति के बाकी सदस्यों ने कोई सुध ली है कि इस मामले में पहल करके कोई सर्वमान्य हल निकाला जाए। गाँव गाँव लखनऊ के लिए मैं बरेली से संजीव गंभीर।